स्वागत है दोस्तों विंग्स एक उड़ान पे। मेरा नाम है पंकिल कपूर। दोस्तों जो फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है हमारा इन्वेंशंस एंड द इन्वेंटर्स, आज वो हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में, इस पूरे चैप्टर के बारे में। जो भी इन्वेंशंस हुई हैं, जो भी उनके इन्वेंटर्स रहे हैं, हमने वो समझने पूरे कम्प्लीट हो जाएगा। और मुबारक हो, आज हमारा फिजिक्स जो है पोर्शन वो कम्प्लीट हो जाएगा, और जिसकी आप बहुत देर से डिमांड कर रहे हो कंप्यूटर सेक्शन। अब इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाली है वो कंप्यूटर सेक्शन की ही होगी। आपको मैं स्क्रीनशॉट लेने का समय दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, देन वी विल स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। बिकॉज बहुत बार देखा गया है कि स्टूडेंट जो है वो इन्वेंशन को डिस्कवरी समझता है और डिस्कवरी को इन्वेंशन समझता है, दोनों का मीनिंग सेम समझता है। ऐसा नहीं है। देखो, वो चीज़ जो हमारे नेचर में प्रकृति में पहले से ही मौजूद है, बस उसको खोजा गया है, मतलब उसके बारे में हमें पता लगाया गया है, तो उसको बोला जाता है डिस्कवरी। डिस्कवरी का मीनिंग क्या हो गया? अगर नेचर में कोई चीज़ पहले से प्रेजेंट है, मान लो नेचर में कोई गैस पहले से प्रेजेंट थी, बट हमें बाद में पता चला, किसी ने उसके बारे में डिस्कवर बाद में किया, दैट इज डिस्कवरी। बट कोई ऐसी डिवाइस जो नेचर में प्रेजेंट नहीं है और उसको इन्वेंट किया जाता है, उसको बनाया जाता है, उस बनाने को बोला जाता है इन्वेंशन करना, और जिसने वो किया होगा, जिसने वो बनाया होगा, उसी को बोला जाएगा इन्वेंटर। तो आई होप बेसिक डिफरेंस जो है डिस्कवरी और इन्वेंशन पे वो आपको पता चल गया होगा। हमने डिस्कवरी नहीं, हमने पढ़ना है इन्वेंशंस। बट फिर भी एग्जाम में देखा गया, बहुत बार 2-3 सवाल ऐसे पूछे गए हैं जो कि डिस्कवरी पे है। आज तक JKSSB में कभी ये चैप्टर इंक्लूड नहीं किया गया था, बट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC के एग्जामिनेशंस में ये बहुत बार पूछा गया हुआ है, RRB NTPC में पूछा गया है, रेलवेज में, और इन्होंने ये चैप्टर को भी पूरा का पूरा कॉपी किया है। आई थिंक पूरे साइंस का सिलेबस कॉपी किया गया आपका उन्हीं सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन से। तो हमने पढ़ना है इन्वेंशंस एंड देयर इन्वेंटर्स। तो पहला जो आता है इसमें वो देखिए कौन सा है। द फर्स्ट वन इज एमीटर। देखो, एमीटर की बात तो अभी हमारे पिछले लेक्चर में ही हुई है। हमें एमीटर के बारे में पता होना चाहिए कि एमीटर करता क्या है, क्योंकि बहुत बार ये नहीं पूछा गया कि इसे इन्वेंट किसने किया है, ये पूछा गया है कि एमीटर करता क्या है। तो एमीटर क्या करता है, ये करंट्स को, इलेक्ट्रिक करंट्स को जो सर्किट में होती है उन्हें मेजर करता है, हमें बताता है कि करंट्स कितनी है। तो एमीटर किसने इन्वेंट किया है? फ्रेडरिच डेक्सलर। ठीक है, फ्रेडरिच डेक्सलर ने इन्वेंट किया है। क्या काम है? टू मेजर एंड डिटेक्ट स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट्स, मेजर करना और डिटेक्ट करना छोटी इलेक्ट्रिक करंट्स को भी, और अगर आपने लार्ज इलेक्ट्रिक करंट्स को भी करना है तो वो भी ये मेजर कर सकता है। उसके लिए देखो, एक होगा माइक्रो एमीटर, माइक्रो हो गया छोटा एमीटर जो छोटी करंट्स को मेजर कर सकता है, और जो बड़ी मेजर करंट्स को मेजर कर सकता है वो उसे बड़ा एमीटर हो गया। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के एमीटर्स होते हैं। बस आपको समझना कि एमीटर इज अ डिवाइस जो कि मेजर या डिटेक्ट कर सकता है किसको, करंट्स को। नेक्स्ट पे आते, नेक्स्ट इज एयर कंडीशनर। तो भाई, आपने एयर कंडीशनर की अगर बात की जाए तो बहुत बार देखा होगा AC कैरियर कंपनी की आते हैं। ऐसे तो बहुत अलग अलग कंपनीज हैं, ब्लू स्टार है, और फिर उसके अलावा वोल्टास है, हिटाची है, बट कैरियर कंपनी के ACs महंगे भी होते हैं, और कैरियर कंपनी के ACs जो हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा कूलिंग करते हैं जिसकी ज़रूरत होती है हमें। तो क्यों नाम उसका कैरियर डर है? क्योंकि एयर कंडीशनर जिसने बनाया है उसका नाम ही विलियस कैरियर था, और इसी के नाम पे कैरियर कंपनी चल रही है। क्लियर? देन आती है बात एयरप्लेन की। तो ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जहाज किसने बनाया है? जहाज राइट ब्रदर्स ने बनाया है। ये तो बड़े बचपन से एक बेसिक सा पढ़ा हुआ है हमने। ऑल दो शायद आप में से कोई ये सोच रहा होगा, सर ये फिजिक्स की इन्वेंशन में कहाँ आएगा एयरप्लेन, या जैसे मैंने यहाँ एक रेफ्रिजरेटर भी लिखा है कहीं पे, ये कैसे फिजिक्स की इन्वेंशन में आया? दोस्तों, ये फिजिक्स की इन्वेंशन में ही है, बिकॉज इनके अंदर जो डिवाइसेस यूज की जाती हैं वो फिजिक्स की ही हैं। ठीक है, वो फिजिक्स के साथ डील करती हैं। तो एयरप्लेन बनाया किसने? राइट ब्रदर्स ने। देन कम्स एटॉमिक बॉम्ब। देखो, एटॉमिक बॉम्ब की अगर बात की जाए, इससे पहले न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस थी, और न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस की भी अगर मैं बात करूं तो ओटो हैन, फिर एक स्ट्रेसमैन और एक लाइज, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनके ऊपर काम किया न्यूक्लियर रिएक्शंस के ऊपर। बट एटॉमिक बॉम्ब इन्होंने नहीं बनाया, एटॉमिक बॉम्ब बनाया है ओपनहाइमर, रॉबर्ट ओपनहाइमर ने, और इन्हीं को फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब भी कहा जाता है।
ये लगभग जितना मुझे याद है 1945 में बनाया गया था, और आपको पता है उसके बाद फिर जो वर्ल्ड वॉर हुई थी उसमें ये हिरोशिमा एंड नागासाकी में गिराया भी गया था, या तो जिसका प्रभाव इफेक्ट आज के टाइम पे भी है, जो कि चीज जापान में दो सिटीज थे। और उन दो एटॉमिक बॉम्ब्स की अगर मैं बात करूं तो ये एक आपका जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, वो जो दो एटॉमिक बॉम्ब्स हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए थे उनमें से एक का नाम था लिटिल बॉय और दूसरे का नाम था फैट, एक का फैट बॉय था और एक का लिटिल मैन, ऐसा कुछ नाम था, तो या लिटिल बॉय एंड फैट मैन ऐसा नाम था। ये दो एटॉमिक बॉम्ब्स की बात कर रहा हूँ जो कि दो जापानी सिटीज में गिराए गए थे। आगे चलते, देन कम्स एटॉमिक न्यूक्लियस। जब भी एटॉमिक न्यूक्लियस की बात आएगी तो आपको बचपन में वो एक एक्सपेरिमेंट किया जाता था, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, याद है? तो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किसका था? रदरफोर्ड का। और एटॉमिक न्यूक्लियस की जो खोज हुई थी वहीं पे हुई थी, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एटॉमिक न्यूक्लियस जो है उसे इन्वेंट किया था। क्लियर? देन कम्स एनीमोमीटर। देखो एनीमोमीटर क्या हो गया, ये जो वेदर फॉरकास्टिंग की जाती है, और बहुत बार आपने देखा होगा वेदर फॉरकास्टिंग के साथ नीचे स्पीड ऑफ विंड भी बताई जाती है, तो जो आंधी की या हवा की जो स्पीड है वो कौन मेजर करता है? वो करता है एनीमोमीटर। किसने बनाया था? लियोन बैटिस्टा अल्बर्टी। आप याद रख सकते हो, याद रखने के अलग अलग तरीके हैं, तो आप में से कईयों को पता होगा कि जब WWF जो रेसलिंग होती है उसमें एक बैटिस्टा नाम से रेसलर भी था, तो सोच लो उस बैटिस्टा रेसलर जितना तेज था, आंधी की तरह भागता था, याद करने का तरीका, तो क्योंकि यहां पर भी आंधी की ही बात हो रही है। देन कम्स एयर ब्रेक। देखो एयर ब्रेक डजंट मीन कि हवा में ब्रेक लगाना, ना, एयर ब्रेक मींस हवा को यूज करके ब्रेक लगाना। पहले पहले जो ब्रेक्स थी, आज के टाइम पे जो ब्रेक्स है वो मैं आपको बोलूंगा लिक्विड्स के ऊपर वर्क करती हैं, जैसा मैंने बोला, सुना भी होगा ब्रेक ऑयल डालना है, तो पहले वाले टाइम पे प्रेशर के ऊपर भी वर्क करती थी, रेलवेज में भी ब्रेक लगाई जाती थी जो कि एयर प्रेशर या एयर प्रेशर के ऊपर वर्क करती थी। एयर ब्रेक किसने इन्वेंट किया? जॉर्ज वेस्टिंग हाउस। जॉर्ज वेस्टिंग हाउस, इस वीडियो को एक दो बार आप अच्छे से सुनोगे समझोगे, आपको ये नाम भूलेंगे नहीं कभी। मैंने 40 इन्वेंशंस एंड द इन्वेंटर्स के नाम लिए, यही है आपका ये पूरा चैप्टर। और अगर आप देखो मैंने बड़े सिस्टमेटिक वे में लिखा है अल्फाबेटिकल सीरीज में, फ्रॉम ए बी सी डी ई एफ जी, जो भी इन्वेंशंस हुई हैं टी तक, ठीक। उसके बाद बात आती है बैटरी की, तो बैटरी तो आपको पता ही है, ये जो वोल्टेज हमें प्रोवाइड करती है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है, तो वोल्टेज प्रोवाइड करती है, तो वोल्टा, अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने बैटरी को इन्वेंट किया है। क्लियर? देन कम्स बैरोमीटर। बैरोमीटर जो है ये हवा के प्रेशर को मापने के लिए काम आता है, जैसे कहीं कहीं जगहों में हवा का प्रेशर ज्यादा होता है, कहीं कम होता है, तो उसको मापने के काम आता है। बैरोमीटर किसने किया है? इवांजेलिस्टा टॉरेसली। इवांजेलिस्टा टॉरेसली। देन कम्स कैलोरीमीटर। देखो कैलोरीमीटर जिन्होंने भी ये इन्वेंट किया है, पहली बात कैलोरीमीटर किसके काम आता है, अगर मैं वो बात करूं तो ये काम आता है केमिकल रिएक्शंस में, केमिकल रिएक्शंस में हीट कितनी आ रही है उसको मेजर करने के लिए। और किसने इन्वेंट किया? एंटोनी लेवोइजर ने। एंटोनी लेवोइजर को फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहीं कहीं कहा जाता है। क्लियर? देन कम्स कैमरा या फोटोग्राफी। कैमरा या फोटोग्राफी जो है ये निसेफोर निस्पी या निप्सी इन्होंने इन्वेंट किया है। तो ये हुए हमारे पहले 11 इन्वेंशंस एंड देयर इन्वेंटर्स। आई होप आपको ये क्लियर हो चुके होंगे। चलें आगे। देन कम सेल्सियस स्केल या फिर सेंटीग्रेड स्केल। ये जो स्केल होता है, पहली बात सेंटीग्रेड स्केल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें 100 डिविजन्स होती है, सेंटी मींस 100। और ये स्केल किसने इन्वेंट किया हुआ है? एंडर्स सेल्सियस ने। और इन्हीं के नाम पे सेल्सियस स्केल डला। सेंटीग्रेड क्यों डला? क्योंकि 100 डिविजन होती है, और आपको पता होना चाहिए एग्जाम में ही पूछता है सेंटीग्रेड का मीनिंग क्या हुआ, 100 डिविजन। फिर बात आती है कॉस्मिक रेज की। देखो कॉस्मिक रेज है क्या? कॉस्मिक रेज ये आउटसाइड द सोलर सिस्टम से हमारे तक पहुंचती है, और यही कॉस्मिक रेज कारण है जो हमारी सैटेलाइट्स हमने लॉन्च की है ना, उन सैटेलाइट्स में जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है वो कॉस्मिक रेज की वजह से आती है, ये बड़ी प्रॉब्लम करता है हमें। और कॉस्मिक रेज को किसी ने इन्वेंट नहीं किया, रेज थोड़ी ना कोई इन्वेंट कर सकता है, रेज पहले से प्रगति में, प्रकृति में या फिर नेचर में होती है,
रेस को, कॉस्मिक रेस को डिस्कवर किया है किसने? विक्टर हेस ने। क्लियर? देन कम्स डीजल इंजन। तो डीजल इंजन तो आपको पता होना चाहिए, 9th 10th में पेट्रोल एंड डीजल इंजन पढ़ा होता है। रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन को इन्वेंट किया है। ठीक है, फिर बात आती है डायनामाइट। डायनामाइट जो है ये उन्हीं ने इन्वेंट किए हैं जिनके नाम पे नोबल प्राइज भी आज के वक्त पे दिए जाते हैं, अल्फ्रेड नोबल। और इनके डायनामाइट को इन्वेंट करने के बाद ये डायनामाइट का गलत इस्तेमाल किया जाता था युद्ध में, वॉर में। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज थी इनकी, उन फैक्ट्रीज को अल्फ्रेड नोबल की डेथ के बाद कन्वर्ट कर दिया गया। फाउंडेशंस आप बोल सकते हो, जैसे एनजीओस टाइप होती है लोगों की मदद करने के लिए उसमें। देन कम्स इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है ये माइकल फैराडे, जो फैराडेज लॉज भी होते हैं, तो माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक जनरेटर को इन्वेंट किया है। और इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब के बारे में तो हम 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं, थॉमस एल्वा एडिसन। याद है थॉमस एल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज नहीं, खोज किस चीज की जाती है जो पहले से प्रकृति में हो, उसको इन्वेंट की है। ठीक है, थॉमस एडिसन, एल्वा एडिसन। फिर बात आती है इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली किसी ने बनाई नहीं है, ये नेचर में थी पहले। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसे डिस्कवर किया है। जो बेंजामिन फ्रैंकलिन, एक कहानी हुई जो आपने शायद सुनी हो, बेंजामिन फ्रैंकलिन आई थिंक काइट उड़ा रहे थे, तो कुछ काइट उड़ाते समय कुछ एक लोहे की चाबी थी, तो जैसे ही मौसम खराब हुआ ऊपर से बिजली पड़ी, इनको करंट पड़ी, वहां से इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई। फिर बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की। ऐसे मैग्नेट्स जिनकी क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, मैग्नेटिक पावर की, मैग्नेटिक पावर बहुत ज़्यादा होती है। और किसने इन्वेंट किया है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट? विलियम स्टर्जियन। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बिजली से चलने वाले मैग्नेट्स होते हैं, क्योंकि ऐसे आमतौर पर जो हमारे पास मैग्नेट्स होते हैं उनमें इतनी पावर नहीं होती, और हमने फैक्ट्रीज में बड़ी बड़ी गाड़ियों को उठाना है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की मदद से उठाए जाते हैं। फिर बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, जिसे EMI भी बोला जाता है क्लास 12th की फिजिक्स में। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मीनिंग क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इन दो फील्ड्स को इस्तेमाल करके बिजली करंट को पैदा करना, वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हालांकि ये आपको समझने की जरूरत नहीं है, किसने किया था? माइकल फैराडे। बिजली जब भी आएगी, देखो यहाँ पर भी माइकल फैराडे का है ये इलेक्ट्रिक जनरेटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये माइकल फैराडे ने की है। इसीलिए क्योंकि बिजली के साथ कनेक्टेड है, तो कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी के साथ ऑप्शन दिया जाता है, माइकल फैराडे वो नहीं है, बेंजामिन फ्रैंकलिन है। क्लियर? देन कम्स फ्यूल सेल। ऐसे सेल जो छोटे छोटे सेल होते हैं जो बैटरी में यूज किए जाते हैं, वो विलियम ग्रोव ने। गैल्वेनोमीटर, मैंने कल भी बताया था, छोटी करंट्स को डिटेक्ट करने के लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल होता है। जोहान श्क्वाइगर। ठीक, ग्रेविटी तो सर इसाक न्यूटन ने डिस्कवर की है, क्योंकि ग्रेविटी तो पहले से है ना, उन्होंने खुद नहीं बनाई, उन्होंने खोज की उसकी। और सर इसाक न्यूटन के ऊपर ही तो नाम डले हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और आपको मालूम होगा कि अगर मैं बात करूँ, 7-8 महीने पहले कुछ एक आर्टिकल्स आए थे जहां पर इनके जो सिद्धांत थे, जो प्रिंसिपल थे ग्रेविटी के ऊपर, जो रूल्स थे, वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं कुछ नई चीज़ों में, तो इसलिए अब इनके ऊपर थोड़ा सा आप बोल सकते हो कुछ इश्यूज आ रहे हैं। तो कहा गया है आने वाले समय पे ग्रेविटी के कुछ रूल्स को चेंज किया जाएगा, देखेंगे हम। हेलीकॉप्टर को इन्वेंट किया गया है इगोर स्कुर्स्काय ने, और हेलीकॉप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जानते हो ना आप क्या होता है। लेजर जो है ये किसने इन्वेंट किया? थियोडोरे एच माइमन ने। लेजर के बारे में ये नहीं पूछा जाता किसने इन्वेंट किया, ये पूछा जाता है इसकी फुल फॉर्म क्या है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ये लाइट एम्पलीफिकेशन है बाय स्टिमुलेटेड एमिशन। अब इसकी फुल फॉर्म जो है वो याद रख सकते हो। देन कम्स माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप्स के जरिए हम क्या करते हैं, माइन्यूट छोटी छोटी चीज़ों को जिनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, नंगी आंखों से नहीं देख सकते। नंगी आंखों डजंट मीन कि उसको कपड़े चढ़ाते हैं, नंगी आंखें मीन्स कि उससे ऊपर हम कोई स्पेक्स के बिना बात कर रहा हूँ तो नहीं देख पाएंगे अगर, तो उन चीज़ों को माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जाता है। दो टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं, एक सिंपल होता है, एक कंपाउंड होता है। सिंपल माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप जो कि आपने देखा होगा आपके ज्योमेट्री बॉक्स से निकलता है, छोटा सा इस तरह से,
होता ना, ये वही माइक्रोस्कोप है जो हमें देखा होगा बहुत बार, जो घड़ी ठीक करते हैं उन्होंने भी यूज़ किया होता है, गोल्डस्मिथ के पास होता है। बट कंपाउंड कौन सा है जो आपने स्कूल में कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट किया था, दही के अंदर देखे गए थे कि ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फ़ोन आपको जान के हैरानगी होगी, पहला मोबाइल फ़ोन आपको पता होना चाहिए किसका आया था, उस कंपनी का जिसका आज नामो निशान नहीं है, मोटरोला। हालांकि मोटरोला ने भी एक फ्यूजन नाम से एक मोबाइल निकाला है बट इसकी बहुत कम सेल है। तो मोटरोला ने सबसे पहला मोबाइल निकाला था और उसी कंपनी में मार्टिन कूपर जो है वो काम करते थे। तो मार्टिन कूपर है जिन्होंने मोबाइल की इन्वेंशन की है। देन कम्स न्यूक्लियर रिएक्टर। देखो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, जब भी हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन या फ्यूजन रिएक्शंस होती है वो अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस होती है, उनको कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे कोयला हो गया, ये एक समय पे आने के बाद ख़त्म हो जाएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के जरिए हम बड़ी देर तक एनर्जी इनसे ले सकते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी एनरिको फर्मी ने की है। प्रिंटिंग प्रेस जो है ये जोहानस गुटेनबर्ग ने इन्वेंट की है। रडार जो है ये सर रॉबर्ट वाटसन वॉट ने इन्वेंट किया हुआ है, जिसकी फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार सुना होगा आपने कि मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, जब कहीं किसी दूसरी कंट्री का कोई एयरक्राफ्ट हमारी कंट्री की बाउंड्री में आने की कोशिश करता है, बाउंड्री क्रॉस करने की कोशिश करता है, तो रडार से सिग्नल्स मिलते हैं और पता चल जाता है कि ऐसा हो रहा है, तो रडार वो चीज़ होगी। रेडियो जो है ये गुगलिमो जो भी है मार्कनी ने इन्वेंट किया हुआ है, और इसके ऊपर एक पेटेंट था जो कि मार्कोनी ने दिया था। उसके बाद निकोल टेस्ला जो है, इन दोनों की बहुत बहस रही थी, ऑल दो लास्ट में निकोल टेस्ला को पेटेंट दिया गया, बट इन्वेंशन इसकी रेडियो की किसने की, रेडियो की किसने की है, गुगलुमुगलू मार्कनी ने। ठीक है, प्रोनंसिएशन देख लेना जो भी है, सही वाली देखें, गुगलेलमो। रेलवे इंजन किसने किया, ये जॉर्ज स्टीफनसन ने किया, ऑल दो डिफरेंट बुक्स में अलग अलग नाम लिखे गए हैं, तो जॉर्ज स्टीफनसन इज द राइट आंसर। रेफ्रिजरेटर जो है ये ओलिवर इवांस ने किया है। ठीक है, जैसे सेकेंड कॉल आ रहा है, कॉल मी आफ्टर 5 मिनट्स सर। रेफ्रिजरेटर किसने किया, ओलिवर इवांस ने किया हुआ है। देन सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है अर्थक्वेक को मापने के लिए, चैन हैंग ने किया है ये। ठीक है, टेलीफोन का किसने किया, एंटोनी मियोकी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टेलीफोन एंड मोबाइल फोन, यू शुड नो द डिफरेंस। टेलीविजन किसने किया, ये किया हैंस लिपरशाय ने। टीवी जो हो गया, टीवी फिजिक्स में आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जिन्होंने भी की हुई उनको पता होगा, लास्ट सेमेस्टर में टेलीविजन एक इनका पार्ट होता है। थर्मोमीटर गैलीलियो गैलीली ने किया, एंड ट्रांसफॉर्मर जो है ये माइकल फैराडे ने किया। ट्रांसफॉर्मर किसने किए, माइकल फैराडे ने, फैराडेज लॉज जो आ गए। इसके अलावा एक वीडियो गेम्स भी आती है, राल्फ बेयर ने किया हुआ, वो याद रखिएगा, यहाँ नाम लिख देता हूँ, RALPH, राल्फ BAER। ये किसने, क्या इन्होंने किया था, वीडियो गेम्स। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा इन्वेंशंस एंड इन्वेंटर्स देयर इन्वेंटर्स वो कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये सेशन, मज़ा आया होगा। हमने सिर्फ ये नहीं देखा कि क्या चीज़ किसने इन्वेंट की है, हमने ये भी देखा उसका मतलब क्या है, काम क्या करता है और किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप दिस सेशन गोज़ गुड फॉर यू, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेम्बर्स जिनको भी इसकी ज़रूरत है। अब कल से मिलने जाएगी आपको कंप्यूटर की वीडियोज़, तो जिसके लिए आप काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, और उसके बाद फिर देखेंगे बैंकिंग के ऊपर क्या करना है। JKSSB के साथ बहुत बिजी है इस समय हम, हद से ज़्यादा, तो आज लॉकडाउन भी है फिर भी हम आए हैं आपकी वीडियोस बनाने के लिए। तो आई होप आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। रखते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ।